अगर आपका महबूब आपके साथ यहाँ पर हो तो आपको कैसा लगेगा? इतना मजा आता है कुदरत के साथ बातें करने का। जी हाँ गाइस, तो ये है मोंदत लेक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत पानी। अगर आपका महबूब आपके साथ यहाँ पर हो तो आपको कैसा लगेगा? इससे खूबसूरत नज़ारा मेरे ख्याल से आप कहीं नहीं देख सकते हैं। यकीन करें, पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप एक दफ़ा घर से निकल कर देखें, इन एरियाज़ में आकर देखें, आपकी सारी ज़िंदगी की थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हे यहाँ कुदरत के साथ गुजारें, यकीन माने कुदरत के साथ बातें करें, आपको वो सुकून मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं अकेला यहाँ पर इस वक्त आया हूँ, लेकिन वैसे मैं टूर के साथ आया हूँ, लेकिन इस जगह पर मैं अकेला आया हूँ। क्या सुकून महसूस होता है, क्या राहत मिलती है जब आप नेचर के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा इन इलाकों में ज़रूर आएँ, नेचर को एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी का मकसद भी हो। अब बेमकसद ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी का नाम सिर्फ खाना पीना और सोना नहीं है, ज़िंदगी का नाम है अल्लाह ताला की हसीन नज़ारों को देखना, अल्लाह ताला की हसीन कुदरत को देखना। उन लोगों से पूछें जो पूरी दुनिया घूमते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है, वो नेचर के साथ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर इतना मज़ा आता है कुदरत के साथ बातें करने का। कुदरत से मतलब बातें करने का ये मतलब नहीं होता कि पानी आपको जवाब देगा, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुदरत जवाब दे रही है, खुदा आपको जवाब दे रहा है, खुदा की वहदानियत यहाँ पर जाहिर होती है। देखो, खुदा ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, हम अगर इसको देखेंगे नहीं तो कौन देखेगा? तो हमारा ये पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को है, वो यहाँ जिस मुल्क में भी हैं, उस मुल्क में पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग दें, ताकि पाकिस्तान में लोग आए। पाकिस्तान में जब लोग आएंगे तो यहाँ में जो इंपोर्ट होती है, यहाँ पे डॉलर्स आएंगे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, यकीन करें 2-3% लोग यहाँ आते होंगे पूरी पाकिस्तान से। हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, जो बेचारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी 1-2 साल की अर्निंग जो है वो आप करके सेविंग करें, सेविंग करके यहाँ पर आए। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं भी बहुत अमीर घराने से नहीं हूँ, जो मैंने यहाँ पे आके हज़ारों रुपए खर्च कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर आने का मकसद था कुदरत को देखना, कुदरत के हसीन मनाजर को देखना, खूबसूरती देखना। जो यहाँ यकीन करें वो पैसे पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुदरत की तरह, जिस तरह कुदरत एक इंसान की तरह की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, इसी तरह मैं अपने कंटेंट से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पर आएंगे। मुझे आपके यहाँ आने पर कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन मुझे खुशी होगी कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो जब यहाँ आएंगे तो वो जो राहत महसूस करेंगे, उससे मेरे दिल को भी राहत होगी। जी हाँ नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बंदा है ना चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को ज़रूर प्रमोट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।